हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज एक अपने एक और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है कुंदन कुमार गुप्ता, झारखंड से आया हुआ है और ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है। और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाने का पर्पस वही एक ही है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं उनको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब आप घर पर पढ़ाई करते हो पूरा कोर्स आपके पास होता है, हर एक चीज़ होती है डिटेल में, पर पढ़ने में कभी कभी क्या क्या मिस्टेक्स होती है। जब ये ऑनलाइन वाले बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो मुझे बच्चों आप लोगों ने मैसेज दिया, उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये सेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं, हो सकता है अगर आप भी वो कर रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे क्लासरूम में वन वीक अपना एक्सपीरियंस लेते हैं तो इनके एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चेंज करना है। ये जरूरी नहीं कि आप भोपाल आएँ वन वीक रुकें, जब भी कुछ होगा आप इनके एक्सपीरियंस से भी अपने आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछले भी जो मैंने सेशन लिए थे उसमें एक चीज़ समझ में आई कि मोस्टली बच्चे एक मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं कि सारे वीडियो देख लिए फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जबकि क्लास में ऐसा नहीं होता। वही चीज़ जैसे क्लास में होती है मैं चाहता हूँ आप घर पे भी करें कि आधे घंटे एक घंटे वीडियो देखें, तीन चार घंटे की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट भोपाल आएगा तो मैं उसके एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, जिससे अगर आप कहीं पे इस तरह की कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, तो आप अपने आप को उससे बदल सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुंदन, मैं चाहूंगा कि आप अपने जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर फील किया है और जो आप घर पर पढ़ते थे जब आपने कोर्स लिए हुए करीब करीब तीन महीने पहले लिया था, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अब आपको लगा कि मुझे अब घर पर जाके ये पढ़ना है, चेंज करना है? क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कोर्स कुछ कम नहीं है, सब चीज़ें हैं, अपडेटेड हैं, पेपर्स भी मिलते हैं, पर क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने यहाँ के सीखी, जो वन वीक का आपका एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूँगा आप बताओ। क्योंकि जो और भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों में अपने वर्क करें तो डेफिनेटली बिना आए भी वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुंदन, कुंदन कुमार गुप्ता, आई एम फ्रॉम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड। मैं यहाँ 31 जुलाई को आया था, तो मैंने बस एक बेसिकली मैंने एक डिफरेंस देखा पेनड्राइव में और यहाँ क्लासरूम में, कि यहाँ पे टीचर्स मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स को और गाइडेंस करते हैं, बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर वे में समझाते रहते हैं। और मैं जब पढ़ता था ऑनलाइन पेनड्राइव से, तो मैंने एक चीज़ यही डिफरेंस किया कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करना होता है, खुद से मुझे प्लान बनाना पड़ता है, खुद से शेड्यूल तैयार करना होता है कि मैं किस अकॉर्डिंग किस शेड्यूल में पढ़ाई करूं। तो बस मैंने एक यहाँ पे आया तो मैं एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे स्टूडेंट सुबह 8 बजे आते हैं और लगभग शाम 7 बजे तक क्लास यहाँ पे होती है, तो जिसमें दो स्लॉट पे सर क्लास लेते हैं, एक सुबह 2 घंटे की और शाम को 2 घंटे की, तो उस पर बाकी टाइम पे स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। और मैं एक गलती करता था, मैं जब पेनड्राइव से पढ़ता था तो मैं क्या करता था कि एक चैप्टर की पूरी वीडियो में एक साथ देख लेता था कंटिन्यू, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता था। तो बट जब मैंने यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे जाना, ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, एक एक पोर्शन पर अच्छे से ध्यान दे के एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये एक चीज़ मैंने एक चीज़ ये देखा कि मैं ये मिस्टेक होती थी मेरे से, तो बस मैंने ये सोचा कि मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूँगा, मैं हर एक टॉपिक को एक एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट करूँगा। सो थैंक यू कुंदन। जैसे अभी आपने बताया यही आप देख रहे हो, सभी बच्चों की मिस्टेक होती है। और मैं आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी क्या होता है कि आप ऐसा मत करो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप पहले उसके सारे वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करें, ऐसे में फिर आपसे बुक सॉल्व नहीं होगी। आप बल्कि एक एक सेशन, मैंने वो छोटे छोटे पार्ट इसलिए किए, एक सेशन देखें फिर प्रैक्टिस करें, एक और सेशन देखें फिर प्रैक्टिस करें, और कोशिश करें कि एक घंटा सुबह या 1.5 घंटा सुबह देखें, 1-1.5 घंटे इवनिंग में देखें, और जितना भी देखें उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आगे देखें। धीरे धीरे करेंगे तो फायदा होगा। क्लास में भी यही होता है, और वो क्लासरूम वाले ही वीडियोस हैं कि क्लास में भी यही होता है कि हम एक क्लास में सारा टॉपिक खत्म नहीं होता, वन वीक लगता है, वैसे ही आपको भी करना है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखो, और आपने कुंदन जो जो चीज़ें यहाँ सीखी हैं अब उन बातों को ध्यान रख के पढ़ाई करनी, क्योंकि अब आपको वो भी समझ में आ गया। पढ़ते तो आप अभी भी थे बल्कि 6-6, 8-8 घंटे, पर क्या मिस्टेक हो रही थी वो आपको समझ में आ गया। तो कोई टॉपिक को जल्दी नहीं करना है, वीडियो सेशन देखना है, फिर बुक सॉल्व करना है, फिर ऑब्जेक्टिव शीट सॉल्व करना है, फिर आगे का देखना, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब कुछ बनेगा। और बेसिक बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, जब पेपर टफ आता है तो बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप टफ पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बधाइयां देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, और चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप फिर आएँ और अपनी सक्सेस के साथ आएँ। और अच्छी बात है कि लास्ट टाइम भी जिन बच्चों को मैंने मिलवाया था वो सब सक्सेस भी हुए,
तो उन्होंने पहले प्री सेशन लिया था और एक आफ्टर सिलेक्शन लिया, तो ऐसे ही सेशन आपका मैं आफ्टर सिलेक्शन भी लेने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट।